हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा ग्रुप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स क्लासेस में। और आज हम लेकर आए 17th और 18th अगस्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। कल की न्यूज और आज की न्यूज, दोनों दिन की न्यूज मिलाकर आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। और मेरे पास आज कम से कम 20 न्यूज है। बट आज के सेशन का फॉर्मेट थोड़ा इस प्रकार रहेगा, जो स्टार्टिंग में हम लास्ट सेशन के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, जो मैप डिस्कस करते हैं, जो स्टेट डिस्कस करते हैं, हम उसे सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ न्यूज डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइस आज ही हम उसे दूसरे सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट न्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ देखे चलते हैं। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश स्क्रीन पर लाया जाए। पार्थ सतपति हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन। पार्थ सतपति को यूक्रेन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। 3 बैक टू बैक अपॉइंटमेंट रहे हैं एज एम्बेसडर, बात करें एज हाई कमिश्नर बात करें, उसमें सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है वो पार्थ सतपति का आता है। उन्हें भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यूक्रेन में। जरा समझिएगा, एक लाइन में सिर्फ याद रखना है, यूक्रेन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव कौन बना है, भारत का कह सकते हैं उच्चायुक्त कौन बना है, भारत का राजदूत कौन बना है, तो हमें याद रखना है पार्थ सतपति यहां पर बने हैं। दूसरी चर्चा कर लेते हैं यूक्रेन से रिलेटेड, इसके मैप को जरा डिस्कस करेंगे। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। अगर हम बात करें गाइस यूक्रेन की, तो यूक्रेन की लोकेशन की बात करें, ये अपना इंडिया है। इंडिया से आप देखिए यहां पर लोकेशन की तरफ चले तो यूक्रेन आपको दिख जाएगा। मेरा सिर्फ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यहां पर ये है कि आपको किसी भी देश की लोकेशन दिखाई जाए। देश के बारे में इतना समय नहीं कि डिटेल में पढ़ पाए, बट हम यहां पर समझेंगे सिर्फ यूक्रेन की बात करेंगे कि यूक्रेन की लोकेशन कहां है। तो आप देख सकते हैं इंडिया कहां है और यूक्रेन कहां है। यूक्रेन की बात करें, कैपिटल कीव है, करेंसी रिवनिया। जरा समझिएगा, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव, करेंसी रिवनिया। इसमें लिखा एच, बट इसका प्रोनाउंसिएशन रिवनिया होता है, एच साइलेंट रहता है, जरा पढ़िएगा इसे। रिवनिया इज अ करेंसी ऑफ द यूक्रेन। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बट उससे पहले एक बार चलिए रिवाइज और कर लेते कौन यहां पर बना है भाई यूक्रेन में भारत का रिप्रेजेंटेटिव। तो उनका नाम याद रखना है पार्थ सतपति। आई होप सो पहला न्यूज क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राहुल छावरा हैज बीन अपॉइंटेड एज दी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ केन्या। राहुल छावरा को केन्या गणराज्य के लिए भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अभी हमने पार्थ सतपति को देख लिया यूक्रेन में, अब राहुल छावरा आ गए, ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं केन्या में। अब जरा समझिएगा, एज अपॉइंटमेंट क्लियर है कौन केन्या में भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना, तो हमारे को ध्यान में रखना है राहुल छावरा यहां पर बने हैं। बट इसके अलावा चलिए देखते हैं यहां पर केन्या का मैप। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, एक बार जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। इंडिया की बात करें तो गाइस हमारा इंडिया आपको दिख रहा है, तो यहां पर आप देखिए ये अपना भारत है। अब चलिए लोकेशन देख लेते हैं केन्या की, तो केन्या की ये लोकेशन है। और केन्या की बात करें इसकी कैपिटल क्या है, सो केन्या की कैपिटल है यहां पर नैरोबी। एंड करेंसी की बात करते हैं, इस करेंसी यहां पर शिलिंग है। जरा समझते चलेगा, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं मैप आपको दिखाता चल रहा हूं, अगर क्लियर हो रहा है और ये मैप का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है और आज बिल्कुल बेहतर तरीके से दिख रहा है, तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में डालते चलेगा। हाँ सर, समझ में भी आ रहा है, क्लियर भी हो रहा है और आपने इंतजार थोड़ा करा है, बट कोई नहीं दोस्त, माफी चाहूंगा इंतजार के लिए। मैं आगे से कोशिश करूंगा एक भी गलती मेरी तरफ से ना हो, बट अभी सिर्फ कंटेंट पर फोकस करिए। अगर आपको एक भी नेगेटिव बात कहनी, प्लीज 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 अभी मत कहिएगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद जी भर के गाली दीजिएगा, बट अभी सिर्फ फोकस करिए कंटेंट पर, क्योंकि ओवरऑल उद्देश्य सिलेक्शन है। तो मैं चाहूंगा कमेंट को थोड़ी के लिए विश्राम रखिए, वीडियो कंप्लीट होने का जी भर के मैं सुनूंगा आराम से कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं केन्या की जो कैपिटल है वो नैरोबी है, करेंसी यहां पर सेलिंग है, और यहां के जो बने हैं वो राहुल छावरा बने हैं एंबेसडर। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर क्या है। डी वाला वेंकटेश वर्मा, जरा समझिएगा, डी वाला वेंकटेश वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एंबेसडर ऑफ इंडिया टू द रशिया। डी वाला वेंकटेश वर्मा को रूस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, छाप लीजिए, रशिया में बने हैं भारत के रिप्रेजेंटेटिव। एट प्रेजेंट ये स्पेन में थे, मैड्रिड बात करें, मैड्रिड लिखा हुआ स्पेशल इनके नाम के आगे, स्पेन मतलब स्पेन की कैपिटल होगी मैड्रिड। जैसे बोलते नहीं है कि नई दिल्ली के, नई दिल्ली मतलब भारत के, वैसे ही बात करते हैं यहां पर, ये स्पेन के थे, अब कहां पर बन गए, ये रशिया के बन गए, और इनका नाम है डी वाला वेंकटेश। तो प्लीज 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 रट लीजिएगा। चलिए एक बार मैप और मैं आपको दिखा देता हूं। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, एक बार जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। तो भाई ये अपना प्यारा भारत है, आप ऊपर चलते हैं तो ये आपको रशिया दिख जाएगा। रशिया की बात करते हैं, कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी इज रूबल। जरा प्लीज रटिएगा, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है। प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करता हूं, दिमित्री मेदवेदेव, दिमित्री मेदवेदेव इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रशिया। एंड अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन।
जरा समझिएगा, चार पॉइंट याद रखने। व्लादिमीर पुतिन इज अ प्रेसिडेंट एंड दिमित्री मेदवेदेव इज अ प्राइम मिनिस्टर, मॉस्को इज अ कैपिटल एंड करेंसी की बात कर लेते हैं गाइस, करेंसी यहां पर रूबल है। आई होप सो तीनों ही न्यूज आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अकॉर्डिंग टू नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, मोर देन 88% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड नाउ हैव बैंक अकाउंट। नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार 88% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अब बैंक खाता है। इस न्यूज की मैं बात करूं तो ये वो न्यूज है जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं एक घंटे की। गाइस समझिएगा, ये न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि नाबार्ड का एक सर्वे है अभी रिसेंट में ही शुरू किया गया है और इसे प्रपोज किया गया कि आने वाले 3-3 सालों में इसे किया जाएगा। और सर्वे में कहा गया है कि जो भारतीय है, जो जितने रूरल हाउस होल्ड है, जितने ग्रामीण परिवार है, 88% से अधिक सभी के यहां पर बैंक खाते हैं। अब यहां पर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड दिया गया, जरा समझिएगा, एक जो वर्ड यहां पर दिया गया उस वर्ड का नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। यही बहुत बड़ी यहां पर मिस्ट्री बना हुआ है कि भाई ये इस वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, जरा समझिएगा कान खोल के। वित्तीय समावेशन कहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहिए, प्रत्येक व्यक्ति जिसका बैंक में खाता नहीं है या वह स्थान जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है या वह स्थान जहां पर बैंक की ब्रांचेस नहीं है या वह स्थान जहां पर बैंक ही नहीं है वहां तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना कहलाता है वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली मींस टू प्रोवाइडेड बैंकिंग सर्विसेज टू एवरी इंडिविजुअल इन अनबैंक्ड एरिया, ऐसे क्षेत्र जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं है वहां तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसी के रिस्पेक्ट में यहां पर यह सर्वे आया जिसमें कहा गया है कि 88.1%, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 88.1% रूरल हाउसहोल्ड है जिनके बैंक में खाते हैं। बहुत बड़ा डेटा आया है, इस वाले डेटा को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज 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 यहां पर जरा थोड़ा सब्र रखिएगा, एक एक करके डिटेल में समझते चलते हैं इस न्यूज को। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, जरा एक बार स्क्रीन को जूम किया जाए। मोर देन 88% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड, ये यहां पर बात हो रही है ग्रामीण परिवारों की, नाउ हैव द बैंक अकाउंट, मतलब कि इनका बैंक में खाता है, बट ओनली अबाउट 24% ऑफ देम यूज एटीएम सर्विसेज। मतलब यहां पर देखिएगा भाई, 100 में से 88 लोगों का तो खाता है बट उनमें से मात्र 24 व्यक्ति ऐसे हैं, 24% ही ऐसे हैं जो कि एटीएम यूज करते हैं, वो भी कहा गया है महीने में एक बार। अब हमारे लिए मुद्दे की बात ये नहीं है, हमारे लिए मुद्दे की बात है 88% का डेटा। अगर एग्जैक्ट डेटा की बात करता हूं तो ये डेटा है 88.1% ऑफ हाउसहोल्ड रिपोर्टेड हैविंग अ बैंक अकाउंट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नाबार्ड का जो सर्वे आया वो यहां पर कह रहा है कि भाई इस सर्वे के अकॉर्डिंग 88.1% लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में खाता है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, द एनुअल इनकम, देखिए पॉइंट नंबर वन तो यहां पर मैंने क्लियर कर दिया, अकाउंट की बात हुई है। पॉइंट नंबर टू यहां पर आया है, इनकम की बात कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट, तीन में यहां पर पॉइंट डिस्कस करूंगा इस वाले सर्वे के अंतर्गत, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला तो क्या रहा, 88.1% जो हाउस होल्ड है, जो ग्रामीण परिवार है, उनका बैंक में खाता है। दूसरी बात, एनुअल इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड यहां पर बताई गई है 96,708 रुपए। जो ग्रामीण परिवार है उसकी जो वार्षिक आय बोली गई है वो 96,708 रुपए। एग्जैक्ट डेटा आपको याद रखना भाई, ये डेटा ही एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा कि जो अभी सर्वे आया उसके अकॉर्डिंग रूरल हाउस होल्ड की एनुअल इनकम कितनी है, तो हमें याद रखनी 96,708 रुपए। इस रूरल हाउस होल्ड को तो मैं पार्ट में बाइफरकेट करूंगा, ऐसे रूरल हाउस होल्ड जिनके पास एग्रीकल्चर है और दूसरे की नॉन एग्रीकल्चर है, या यूं कहें ऐसे ग्रामीण परिवार जो कि मजदूरी करके, जो कि सैलरी के बेसिस पर काम करते हैं दूसरे के खेतों में, इस प्रकार से। तो दो तरीके से रहे, रूरल हाउस होल्ड की इनकम तो रही 96,708 रुपए, अब इसमें एग्रीकल्चरल की कितनी है, नॉन एग्रीकल्चरल की कितनी है, चलिए वो एक एक करके यहां पर हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड विच अकाउंटेड फॉर 48% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड, अगर रूरल हाउसहोल्ड 100 हैं तो उसमें 48% कौन है रूरल हाउसहोल्ड है, जरा समझिएगा, मतलब कि 48% कौन है जिनके पास एग्रीकल्चरल भूमि है और उनकी इनकम बोली गई है 107,172 रुपए वार्षिक है यहां पर ड्यूरिंग 2015-16 जो सर्वे दिया गया उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यार 15-16 में बोला इन्होंने कि 107,172। बहुत सारे न्यूज़पेपर में तो ये लिखा आ गया कि अब ग्रामीण भी लखपति हो गए। भाई मेरे बात करें तो मेरे देश में अब ग्रामीण करोड़पति भी हैं, अरबपति भी
है, बट सर्वे के अकॉर्डिंग बात करते तो कह रहे हैं कि लखपति भी यहां पर हो गए हैं। बट अगर बात करें यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की बात कर लेते हैं, भावनाओं में नहीं बहते, रूरल हाउसहोल्ड की इनकम रटिएगा 96,708 रुपए, उसमें एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की 1,07,172 रुपए, जो नॉन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड है उनके लिए बोला गया 87,228 रुपए मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटेड बाय दी मैक्सिमम उनका वेजेस से आता है या सैलरी से आता है या नॉन फार्म सेक्टर एक्टिविटीज होती है उनसे आता है। सर हमें बताइए हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पहला पॉइंट यहां पर यह है 88.1% वाला डेटा। पॉइंट नंबर टू इनकम की बात करें तो रूरल हाउसहोल्ड की इनकम कितनी 96,708 रुपए रूरल हाउसहोल्ड की इनकम है। तीसरी आपको याद रखनी है एग्रीकल्चरल वाले की कितनी 1,07,172 रुपए, नॉन एग्रीकल्चरल वाले की कितनी 87,228 रुपए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टनेस, यहां पर एक और आया देखिए एब्रीगेशन आई है इंसिडेंट ऑफ इंडेप्टनेस, इसका मतलब क्या है मेजर्ड एज प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड रिपोर्टिंग आउटस्टैंडिंग डेट, मतलब कितने व्यक्तियों या एक व्यक्ति एक जो रूरल हाउसहोल्ड है उनके पास जो ऋण लिया गया है उसका बकाया कितना है। इंसिडेंस ऑफ इंडेप्टनेस का मेजरमेंट होता है मेजर्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ हाउसहोल्ड रिपोर्टिंग आउटस्टैंडिंग डेट ऑन द डेट ऑफ द सर्वे, सर्वे की जो डेट रही है उस दौरान उनके पास कितना बकाया रहा है। तो यहां पर कहा गया है 52.5% फॉर द एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड एंड 42.8% नॉन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड वर रिपोर्टेडली इंडेप्टनेट एज द टाइम ऑफ द सर्वे, मतलब कि जो रूरल हाउसहोल्ड है उसमें भी जो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड है गाइज याद रखिएगा उनमें 52.5% ऐसे हैं जो इन पर बकाया है और जो नॉन एग्रीकल्चरल है उनमें बकाया है 42.8% लोगों के पास। तो समझिएगा एक एक डेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया इंडेप्टनेस की बात करते हैं वो रही है 47.4%, उसमें रूरल की इतनी है और नॉन एग्रीकल्चरल की इतनी है और नॉन एग्रीकल्चरल की इतनी रही है। तो एक एक चीज डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूं। सर्वे वर कंडक्टेड, यहां पर एक और इमेज मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपके बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इमेज है टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन पर लाया जाए भाई, थोड़ा यहां पर टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये न्यूज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखी हुई है हाईलाइट ये नावार्ड की वेबसाइट से लिया गया है। 29 स्टेट आपको दिख रहे हैं, 29 स्टेट है, इनके 29 स्टेट में 245 डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। उन डिस्ट्रिक्ट के कह सकते हैं गाइस जो टायर 3 और टायर 6 कह सकते हैं जो सेंटर्स हैं एज पर आरबीआई का क्लासिफिकेशन उनको यहां पर इंक्लूड किया गया है और उसमें 40,327 परिवारों के जो पॉपुलेशन रही है 187,518 पॉपुलेशन इनके इनसे पूछा गया, इनके बेसिस पर यह सर्वे को रिलीज किया गया है। आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि सर ये टायर 3 और ये टायर 6 क्या है, ये टायर 1 टायर 2 टायर 3 बहुत जगह हमने देखा है, अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन देखा है नॉन मेट्रोपॉलिटन देखा है, ये होता क्या है इसका मतलब क्या है। सो एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन में बात करते हैं गाइस ये डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टायर 1 मतलब होता है ऐसी पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 या उससे ज्यादा है। टायर 2 में 50,000 से 99,999 है। यहां पर टायर 3 से टायर 6 लिए गए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो टायर 3 से लेकर टायर 6 लिए गए मतलब उन व्यक्तियों को यहां पर लिया गया है, उन परिवारों को यहां पर लिया गया है जिनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन हम कह सकते हैं 49,999 है। तो गाइज यहां पर देख सकते हैं कौन से सेंटर्स को लिया गया है, टायर 3 टायर 4 टायर 5 टायर 6 इनकी बेसिस पर इस सर्वे को यहां पर रिलीज किया गया है। तो एग्जाम में आता है कि टायर 3 का मतलब क्या है तो प्लीज इस टेबल को याद रखिएगा, टायर 4 का टायर 5 का टायर 6 का मतलब क्या है मैंने आपको डिटेल में यहां पर प्रोवाइड कर दी है। कुछ एब्रीवेशन रही हैं इसी सर्वे के दौरान कुछ एब्रीवेशन सर्वे में ही यहां पर मेंशन की गई हैं। ये सारी एब्रीवेशन आप एक बार प्लीज देखिएगा, मैंने आपको दोनों ही पेजेस पे एब्रीवेशन दे दी हैं, इन एब्रीवेशन को प्लीज 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 याद रख लीजिएगा, जिसमें भी डाउट हो उसको मैं यहां पर बता दूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा कि सर इस वाले को जरा प्लीज आप अलग से बता दीजिए, कोशिश करिएगा इन एब्रीवेशन को पढ़ने की, ये एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के, इनके पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड कप रनर अप क्रोएशिया गोलकीपर डैनियल सुबासिक हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। विश्व कप उप विजेता क्रोएशिया के गोलकीपर डैनियल सुबासिक ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि डैनियल सुबासिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, सो गाइस आंसर इज फुटबॉल, दूसरा डैनियल सुबासिक एक फुटबॉलर है वो किस देश से संबंधित है, तो वो हमें याद रखना है भाई क्रोएशिया से संबंधित है। तो मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा कि इस प्रकार की जो न्यूज है इस पर क्वेश्चन कौन सा फ्रेम हो सकता है। अगर सेशन पसंद आ रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हां सर पसंद आ रहा है, छप गया, क्लियर हो गया, जो अभी सर्वे रिलीज किया वो भी हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्रोएशिया की बात करेंगे, टेक्निकल टीम जरा स्क्रीन को जूम किया जाए,
भाई ये क्रोएशिया है, अपने इंडिया की बात करें, अपना इंडिया इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो ये आपको क्रोएशिया यहां पर दिख जाएगा। क्रोएशिया की बात करते हैं, कैपिटल है ज़ाग्रेब एंड करेंसी की बात करूंगा, करेंसी कूना है। प्लीज रट लीजिएगा, जितने भी देश में आज आपको पढ़ा रहा हूं इनकी मुद्राएं और राजधानी आने के चांसेस 200% है। क्रोएशिया की कैपिटल रही यहां पर ज़ाग्रेब एंड करेंसी रही कूना। मैप में भी आपके लोकेशन क्लियर होगी कि एग्जैक्टली यहां पर ये कहां है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर क्या है, क्योंकि आज अभी तक हम 5 न्यूज कवर अप कर चुके हैं, आज के सेशन में 20 न्यूज हम कवर अप करेंगे। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना ऑन द ओकेजन ऑफ द 72nd इंडिपेंडेंस डे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की है। गैस कल का सेशन नहीं हुआ था, प्रीवियस सेशन में भी हमने अराउंड करीब 14 न्यूज डिस्कस की थी, जिस वजह से हम बहुत सारी न्यूज डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज भी मेरे पास 20 है, उसके अलावा भी 7 से 8 न्यूज मिस हो गई क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट आने वाले समय में मैं इनको इंक्लूड करता चलूंगा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे में, जिसकी बेसिस पे मैं हमेशा आपसे जो कहता हूं कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है, यहां पर मैं आपको सारी न्यूज प्रोवाइड करूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पुरानी हो नई हो सारी न्यूज मिलेंगी। अब चलिए बढ़ लेते हैं, यहां पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई विजु कल्याण स्वास्थ्य योजना। अब जरा समझिएगा, विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना की मैं अगर बात करता हूं, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, प्लीज इसे रट लीजिएगा। बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसी के बारे में। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लॉन्च विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना। टेक्निकल टीम से गुजारिश, एक बार जरा स्क्रीन को जूम किया जाए। अ हेल्थ फॉर ऑल स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ द 72nd इंडिपेंडेंस डे। अब मुद्दे की बात यह है कि इस स्कीम में है क्या। स्कीम प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू दी 70 लाख फैमिली। जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने 50 लाख परिवारों को कवर अप करने की बात करी है, ये थोड़ा आगे बढ़कर कहते हैं कि भाई हम 70 लाख परिवारों को यहां पर कवर अप करेंगे। कवरिंग दी मोर देन 70% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। स्कीम हैज बीन लॉन्च विद दी कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। यहां पर कहा गया है कि पर फैमिली जो कवरेज की जाएगी वो 5 लाख रुपए पर फैमिली यहां पर गाइस कवरेज की जाएगी। मेडिकल सुविधा यहां पर उस परिवार को दिया जाएगा, स्पेशली बोला है विद अ फैमिली जिनके पास वुमेन मेंबर्स हैं उनके लिए यहां पर जो कवरेज रहेगी 7 लाख पर फैमिली यहां पर रहेगी। देखिए प्लीज समझिएगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो मोदी जी के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई उसका यहां पर क्या नाम है जो कि सिमिलर इससे मिलती जुलती है। दूसरा, उसमें कवरेज कितने लोगों को कवर करने की बात की जा रही है, कितने परिवारों को कवर करने की बात की जा रही है, अगर ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाए तो बहुत यहां पर बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन अजीत वाडेकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 77। पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अजीत वाडेकर का हाल ही में निधन हो गया, वह 77 वर्ष के थे। आप कहेंगे सर ये तो प्रीवियस न्यूज है, आपने पहले नहीं पढ़ाया था। भाई कल की छुट्टी रही थी, इस वजह से बहुत सारी न्यूज मिस हो गई हैं, इसलिए आज मैं 20 न्यूज लेकर आया हूं जिसमें आप मैक्सिमम कवर अप कर दूंगा, पुरानी हो नहीं हो। तो प्लीज 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 अभी जरा फोकस करिए कि जो न्यूज मैं डिस्कस कर रहा हूं उस पर। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन अजीत वाडेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अजीत वाडेकर वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अजीत वाडेकर किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो वह क्रिकेटर थे। दूसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सो आंसर इज द अजीत वाडेकर। पूर्व भारतीय कप्तान का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो आपको याद रखना है अजीत वाडेकर। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों ही मैंने आपके साथ डिस्कस यहां पर कर लिया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एंड एयरटेल पेमेंट बैंक हैव पार्टनर टू ऑफर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और एयरटेल पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने के लिए एक भागीदारी की है। दूसरे शब्दों में बात करें तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, जिसके अंतर्गत जितने एयरटेल पेमेंट बैंक के अंतर्गत जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं भाई, उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश की जाएगी। क्या है इसके अलावा और इंपॉर्टेंट वो देखते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है वो देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, स्क्रीन को जूम किया जाए। अलायंस विल लेवरेज एयरटेल पेमेंट बैंक्स वास्ट नेटवर्क टू रीच डीप रूरल पॉकेट एंड सर्व दी अंडर इंश्योर्ड। बेसिकली यहां पर कहने का मतलब यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक का जो नेटवर्क है उसका उपयोग करते हुए रूरल जितने भी क्षेत्र वहां तक पहुंचा जाए, ऐसे लोग जिनको इंश्योरेंस नहीं है उन तक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। इसी के साथ कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ऑल्सो बिकम द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया टू ऑफर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द कंपनी साइड इन द स्टेटमेंट। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में यह कहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक पहला ऐसा बैंक बना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उसे पेश करने वाला बैंक बना है। इस प्रोडक्ट की बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, यह प्रोवाइड करेगा, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑफर्स 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस। देखिए ये अगर मैं बात करता हूं तो ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसे मैं बता देता हूं।
कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति एलिजिबल होगा उसकी उम्र 18 से 50 वर्ष रहेगी। जिन व्यक्तियों की एज इतनी है वही इस योजना को अपने अकाउंट से लिंक करा सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से इसे लिंक करा सकते हैं। चलिए आते हैं इसके बारे में बताऊंगा, और इसके अलावा यहां पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 2016 है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, और अनुव्रता विश्वास अभी रिसेंट में एमडी एंड सीईओ बने हैं, तो प्लीज इनका नाम रख लीजिएगा। अनुव्रता विश्वास की बात करते हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एमडी एंड सीईओ, सो भाई हाल ही में बने तो एग्जाम में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक 2016 में फाउंडेशन ईयर है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, एंड अनुव्रता विश्वास क्या है, एमडी एंड सीईओ है इसके। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में कुछ बातें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एग्जाम का क्वेश्चन, पीएमजेजेवाई में थर्ड जे क्या है, फोर्थ जे क्या है, तो थर्ड जे की बात करते हैं, इसका नाम है जीवन, फोर्थ जे की बात करते हैं, इसका नाम है यहां पर ज्योति, यह एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस, तो प्लीज 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 याद रखेगा, पीएमजेजेबीवाई में थर्ड जे क्या है और फोर्थ जे क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए बोला गया है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष है ये इस योजना को अपने अकाउंट से लिंक करा सकता है। इसके लिए बोला गया है कि पर्सन हैविंग आधार नंबर लिंक टू द बैंक अकाउंट, बात है इसे छोड़ दीजिए, प्रीमियम वाली बात मुद्दे की है, ₹330 पर एनम प्रीमियम देना पड़ता है, रिस्क कवरेज बोली गई है, मैक्सिमम जो इसमें क्लेम कर सकते हैं आप 2,00,000 रुपए तक का आपको इंश्योरेंस यहां पर दिया जाएगा, क्लेम दिया जाएगा। तो तीन बातें, प्रीमियम ₹330 पर एनम, दूसरी बात एलिजिबिलिटी की बात करें 18 to 50 ईयर्स यहां पर बोला गया है, एंड अगर बात करते हैं यहां पर अमाउंट की रिस्क कवरेज कितनी है तो रिस्क कवरेज यहां पर 2,00,000 रुपए है। चौथी बात पीएमजेजेबीवाई की फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आई होप सो गाइस ये वाली न्यूज भी आपके क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये है अपॉइंटमेंट। माली के जो प्रेसिडेंट हैं, माली कैपिटल बमाको करेंसी की बात करते हैं, करेंसी अगर आप बता पाएं तो बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि आगे मैं डिस्कस करूंगा। मालियन प्रेसिडेंट विन सेकेंड टर्म, जो मालियन प्रेसिडेंट है इब्राहिम बुबाकर केता, उन्होंने अपना दूसरा कह सकते हैं भाई टर्म जीत लिया है, अब वो दूसरी बार यहां पर राष्ट्रपति चुने जाने हैं। एक बार अपनी लैंग्वेज में मैं आपको दिखा देता हूं, इब्राहिम बुबेकर केटा हैज बीन इलेक्टेड एज दी प्रेसिडेंट ऑफ माली, इब्राहिम बुबेकर केटा को माली के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। एग्जाम में आने के चांसेस है, प्लीज 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 फोकस करेगा, एक नंबर में एज एन अपॉइंटमेंट आ सकता है। इसके अलावा माली रिलेटेड क्या है फैक्ट, चलिए वो देख लेते हैं। टेक्निकल टीम अगर स्क्रीन को जूम किया जा सके तो और बेहतर रहेगा, स्क्रीन को जूम किया जाए तो और बेहतर रहेगा भाई, सुन लो। अगर हम बात करते हैं भाई इंडिया की, तो ये अपना इंडिया है, इंडिया की बात करें तो उसके रेस्पेक्ट में माली की बात करते हैं, माली है, माली की कैपिटल बमाको है, करेंसी यहां पर फ्रैंक है। तो मैं एक तरीके से आपको बहुत सरल शब्दों में मैप भी दिखा रहा हूं, उसके स्टैटिक फैक्ट भी दिखा रहा हूं, मुझे लगता है भाई इससे तरीका और कोई बढ़िया हो नहीं सकता। ये अपना इंडिया है, ये माली है, माली की कैपिटल बमाको है, करेंसी फ्रैंक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इब्राहिम बुबेकर केटा क्या है, वो प्रेसिडेंट बने हैं माली के, दूसरा टर्म है उनका, दूसरी बार यहां पर यह चुने गए हैं। चलिए बढ़ते देखते नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर क्या है। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व सितंबर एज द मंथ ऑफ न्यूट्रिशन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल लिविंग इन द स्टेट। राजस्थान राज्य सरकार राज्य में रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सितंबर को पोषण के महीने के रूप में मनाएगी। जरा समझिएगा, अभी रिसेंट में अगर हम बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ही एक स्कीम लॉन्च की, एक नया इनिशिएट लिया कि जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उनको वो मिल्क प्रोवाइड करेगा। ये अभी आया क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन बहुत देखने को मिल रहा है, तो उसी वजह से इन्होंने कहा है कि जो आने वाला महीना है सितंबर का जो महीना है उसको जरा समझिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, कौन सा महीना है, सितंबर का महीना है, उसे मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट किस महीने को मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में ऑब्जर्व करेगी, तो वो याद रखना है सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार सितंबर के महीने को मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में ऑब्जर्व करेगी, तो गाइस हमें याद रखना है उस स्टेट का नाम है राजस्थान स्टेट। आई होप सो ये भी क्लियर होगा, एक नंबर में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, नोटेड मलयालम कवि, नोटेड मलयालम पोएट एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी, जरा समझिएगा इनका नाम, चैम मानम चैको या यू कैन सी चैको हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 92। मलयालम कवि और साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता चैम मानम चैको का हाल ही में निधन हो गया, वह 92 वर्ष के थे। सर इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में इस प्रकार से आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोटेड मलयालम पोएट एंड द साहित्य अकेडमी अवार्डी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। दूसरा क्वेश्चन, चैम मानम चैको हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट, सो हमें याद रखना है वह एक पोएट थे, वह एक मलयालम पोएट थे, ये वर्ड याद रखिएगा, वह क्या थे, एक मलयालम पोएट थे। क्या पता एग्जाम में ऐसा आ गया कि भाई हिंदी पोएट थे, मलयालम पोएट थे, कन्नड़ पोएट थे, तो हमें याद रखना है वह क्या थे, एक मलयालम पोएट थे। तो इस प्रकार से भी प्लीज प्लीज याद रखिएगा, ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज़,
इंडियाज रेटिंग कट्स ग्रोथ रेट फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर एट टू 7.2%। मतलब जो इंडिया रेटिंग है वो जो एक मतलब की कह सकते भाई एक जो रेटिंग प्रोवाइड करती है उसने यहां पर कहा है कि 7.2% रहेगी भारत की ग्रोथ रेट। सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि इंडिया रेटिंग है क्या। दूसरी चीज इंडिया रेटिंग रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट मैं डिस्कस करूंगा। तीसरी चीज जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट की गई है वो कितनी यहां पर की गई है, क्यों इसे कट किया गया है, अगर ये 7.2% की गई है तो पहले यहां पर कितनी थी। तो आते हैं जरा देखते हैं इसे डिटेल में। अकॉर्डिंग टू इंडियाज रेटिंग इंडियाज जीडीपी इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू 7.2% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। भारत रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। अगर आपको बॉटम में देख रहा होगा तो गाइस आपको बेहतर तरीके से देख रहा होगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च हैज रिवाइज डाउन इट्स फाइनेंशियल ईयर 19 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2% फ्रॉम 7.4%। पहले इसने कहा था कि भारत की ग्रोथ रेट 7.4% रहेगी, अब इसने कहा है कि भारत की ग्रोथ रेट अब 7.2% रहेगी। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। अभी सीएसओ की पूछी गई थी, पूछे जाने के चांसेस हैं कि इंडिया रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान ऐसा किया है, तो हमें याद रखना है 7.2%। इसके अलावा कुछ और बातें चलिए वो यहां पर देख लेते हैं। अबाउट इंडिया रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इज इंडियाज मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इंडिया रे हैज 7 ब्रांच ऑफिसेस, इसके 7 ब्रांच ऑफिसेस हैं, अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में और पुणे में। ये हमें नहीं याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर वो है मुंबई। इंडिया रेटिंग इज रिकॉग्नाइज बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द नेशनल हाउसिंग बैंक, तीनों के द्वारा इसे रिकॉग्निशन मिल चुका है। चाहे हम सेबी की बात करें, चाहे आरबीआई की बात करें, चाहे नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करते हैं। अब ये है मुद्दे की बात, इंडिया रेटिंग इज 100% ओन सब्सिडरी ऑफ द फिच ग्रुप। जो फिच ग्रुप है भाई समझिएगा, जो फिच रेटिंग भी इसके अंडर में आती है, जो फिच ग्रुप है उसकी 100% ओन ये सब्सिडरी है। ये क्या है भैया, इसकी सहायक कंपनी है, तो ये क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गई। मैंने आपको बताया था ना होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी वाला कॉन्सेप्ट। अगर किसी कंपनी में ये एक्स वाई जेड कंपनी है, यदि एक्स वाई जेड कंपनी में किसी दूसरी कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग रखी है, तो जिसने रखी है वो तो बन गई होल्डिंग कंपनी, जिसमें रखी है वो बन गई यहां पर सब्सिडरी कंपनी। जरा समझिएगा, जितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें तो बेहतर पता होगा जिन्होंने कंपनी एक्ट पढ़ा होगा, जिनको नहीं पता अब जरा समझ लीजिए, आपको भी पता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी एक्स वाई जेड है, इसमें पी क्यू आर ने या एम एन ओ ने कोई भी है या जे एल एम ने किसी ने भी 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग कर रखी है, किसी ने भी 51% या उससे ज्यादा की होल्डिंग कर रखी है, तो ये कंपनी तो बन गई इसकी सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। जिसने होल्ड किया है वो बन गई यहां पर होल्डिंग कंपनी। तो कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है, तो जिस कंपनी ने हिस्सेदारी रखी है वो तो बन गई होल्डिंग कंपनी, जिस कंपनी में रखी है क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी। आई होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रोहित यहां पर बात करते हैं, रोहित सावनी की बात करें, इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द इंडिया रेटिंग एंड द रिसर्च। तो भाई मैंने डिटेल में आपको इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के बारे में बता दिया है, प्लीज 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 एक बार कोशिश करिए जरा इसको देखने की, आपके क्लियर होना चाहिए कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिलेटेड सारे फैक्ट क्या है। नेक्स्ट न्यूज, मध्य प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ द छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। लास्ट सेशन में सिर्फ मैंने वर्बली डिस्कस किया था, अब मैंने यहां पर आपको इस न्यूज़ को भी प्रोवाइड कर दिया। पुरानी न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है। जितना भी हमारा गैप हुआ है छुट्टी की वजह से, तो मेरा ओवरऑल उद्देश्य ये रहेगा कि जितनी भी न्यूज़ रही उन सभी को यहां पर कवर अप किया जाए। सो मध्य प्रदेश जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं उनको यहां पर छत्तीसगढ़ के गवर्नर के रूप में यहां पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। और वो क्यों चार्ज दिया गया है, किस व्यक्ति की डेथ हुई, छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हुआ, प्लीज 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 जरा अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा प्लीज भाई एक बार जरा लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आज नाराजगी बहुत है 9 बजे सेशन स्टार्ट होने की वजह से, बट मैं चाहता हूं जितने भी अभी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार स्माइली जरूर कर दो, क्योंकि आपकी स्माइली मुझे थोड़ी एनर्जी दे देगी, मुझे जरा खुशी यहां पर महसूस करा देगी। तो टेक्निकल टीम जरा एक बार स्क्रीन को जरा जूम किया जाए, हम बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 93। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाल ही में निधन हो गया,
वह 93 वर्ष के थे। अगर इस न्यूज की मैं बात करता हूँ गाइस, सभी को पता है कुछ बातें हैं जो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि एग्जाम रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मुझे लगा सबसे इंपॉर्टेंट वो ये लगा कि इनको किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके बारे में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, बट यहाँ पर मैं डिस्कस सिर्फ आपके साथ इतना करूंगा कि किस वर्ष में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सो ही वॉज कन्फर्ड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2015। इस ईयर को मार्क करेगा, ये ईयर इंपॉर्टेंट है कि 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष में सम्मानित किया गया, तो वर्ष आपको याद रखना है वो वर्ष रहा था 2015। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर क्या है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हैज अनवील्ड मोर सिक्योर यूपीआई विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आरबीआई की बात करें, जो आरबीआई के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उन्होंने यूपीआई 2.0 वर्जन यहां पर लॉन्च किया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इस एप्लीकेशन के यूज से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप मैक्सिमम जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन्हें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाकर भाई कह सकते हैं कि सिंक कर सकते हैं। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम बैंक अकाउंट जितने भी हैं उन्हें यहां पर रख सकते हैं। क्या है इसके फीचर, क्या क्या रहे हैं, क्या क्या चेंजेस रहे हैं, वो सारी बातें देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2.0 विद द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस 2.0 लॉन्च किया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां से एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये दो एग्जाम में पूछी जा सकती है। यूपीआई जो पहले वाला था उसमें आपका सिर्फ कह सकते हैं भाई सेविंग अकाउंट ही लिंक हो सकता था, करंट अकाउंट। अब यहां पर इन्होंने कहा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यहां पर इससे आप लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर दिए गए, एक एक करके मैं फीचर आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि यूपीआई 2.0 यहां पर लॉन्च किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द यूपीआई 2.0। समझ रहे ना बात को, डिटेल में एग्जाम में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द यूपीआई 2.0। तो हम चारों ही फीचर को यहां पर देखेंगे जो नए यहां पर ऐड किए गए हैं। उससे पहले कुछ बातें, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज अपग्रेडेड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद इनहेंस सिक्योरिटी फीचर एंड दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कुछ सिक्योरिटी फीचर को ऐड किया गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यहां पर ऐड किया गया। इन एडिशन टू करंट एंड सेविंग अकाउंट, जरा समझिएगा, पहले आप करंट और सेविंग अकाउंट को ही लिंक कर सकते थे, चालू खाते और बचत खाते को। नाउ कस्टमर कैन लिंक देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट टू द यूपीआई, ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी यूपीआई से लिंक किया जा सकता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इट इज अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। एग्जाम का क्वेश्चन अभी रिसेंट का यही रहा है कि जो भारत की रिटेल पेमेंट सिस्टम को देखने वाली संस्था है उसका नाम क्या है। ऑप्शन अवेलेबल थे, उसमें हमें टिक कर कराना था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फाउंडेशन ईयर इसका 2008 है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं, दिलीप असबे इज एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्लीज 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 याद रखिएगा इसे। इसके अलावा कुछ फीचर ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जरा समझिएगा, एक एक फीचर इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट फीचर की बात करते हैं, 4 एडिशनल फीचर या एडिशनल सर्विसेज यूपीआई 2.0 विल प्रोवाइड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नाउ कस्टमर विल बी एबल टू लिंक देयर ओवरड्राफ्ट अकाउंट टू यूपीआई। अर्लियर लिंकिंग फॉर ओनली करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट विद यूपीआई वॉज पॉसिबल। सर हमें अपनी भाषा में बताइए, पहले बचत खाता का चालू खाता ही लिंक किया जा सकता था, अब आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट को भी आप लिंक कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। दूसरी पॉइंट, वन टाइम मैंडेट, क्या मतलब है, थ्रू दिस फीचर कस्टमर कैन शेड्यूल पेमेंट। मतलब कि कह सकते हैं कि आपको अगर पेमेंट करना है तो आप आने वाली डेट का पेमेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं, बट इट कैन बी यूज इन केस वेयर द मनी इज ट्रांसफर्ड लेटर वाइल कमिटमेंट हैज बीन मेड नाउ। मतलब कि क्या है, कमिटमेंट अभी आपने कर दिया कि भाई मित्र को पेमेंट करने जा रहा हूं, बट उसका पेमेंट अगर तुम्हें बाद में करना है तो ये वाला फीचर भी यहां पर मेंशन किया गया, वन टाइम मैंडेट। एक ऑप्शन मिलेगा आपको वन टाइम मैंडेट, जिसका मतलब ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि आप अभी कह दीजिए कि मैं तुझे पेमेंट कर रहा हूं, बट उसको अभी से शेड्यूल कर दीजिए, पेमेंट उसका 2 दिन बाद 3 दिन बाद हो जाएगा। आई होप सो समझ में आएगा कि वन टाइम मैंडेट का मतलब क्या है। तीसरी बात, इनवॉइस इन द इनबॉक्स। जब आप कभी भी जाते हैं यूपीआई के माध्यम से किसी भी मर्चेंट सेंटर पे, मर्चेंट कह सकते हैं भाई
पेमेंट करते हैं मर्चेंट को, तो भाई उस दौरान क्या होता है कि आपको इनवॉइस नहीं मिलता, बट आपको अब इनबॉक्स में इनवॉइस भी मिलेगा। कस्टमर विल गेट द इनवॉइस सेंट बाय द मर्चेंट, व्यापारी, इन द इनबॉक्स विच विल हेल्प देम टू व्यू एंड वेरीफाई क्रेडेंशियल्स। जितने भी कह सकते क्रेडेंशियल होंगे उनको आप वेरीफाई यहां पर कर सकते हैं। विद दिस द कस्टमर कैन व्यू एंड वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ द मर्चेंट इवन बिफोर मेकिंग अ पेमेंट एंड बी श्योर ऑफ देयर ऑथेंटिसिटी। सरल शब्दों में बात करें तो अब आपको अपना बिल भी मिल पाएगा, इनवॉइस भी यहां पर मिल पाएगा जब आप पेमेंट करेंगे। आपके कह सकते हैं भाई जो भीम एप्लीकेशन होगा, जो कह सके यूपीआई एप्लीकेशन होगा, उसमें ये यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट, साइंड इंटेंट एंड द क्यूआर, ये समझना ऑप्शन अवेलेबल होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, तो वहां पर लिखा होगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वन टाइम मैंडेट, इनवॉइसेस इन द इनबॉक्स, साइंड इंटेंट एंड क्यूआर, ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ऑल ऑफ द अबव पर टिक करके आना पड़ेगा, तो प्लीज 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 इसे डिटेल में जरा समझते चलिएगा। द फीचर विल अलाउ कस्टमर टू चेक द क्रेडेंशियल ऑफ मर्चेंट बाय द क्यूआर कोड, वेदर अ मर्चेंट इज यूपीआई वेरीफाइड और नॉट कैन बी फाउंड आउट थ्रू द क्यूआर कोड। क्यूआर कोड के माध्यम से आप ये देख पाएंगे, इसमें कह सकते हैं कि इस साइन इंटेंट के माध्यम से ये देख पाएंगे कि यूपीआई वेरीफाइड है कि नहीं कस्टमर। तो ये सारी बातें आपको अवेलेबल होंगी इस नई यूपीआई 2.0 वर्जन के दौरान, जो यहां पर कह सकते हैं लॉन्च किया गया आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी के द्वारा, यही कहें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, द क्वीन ऑफ सोल इज डाइड, शी वॉज द सिंगर। बेसिकली बात करते हैं जो सिंगर है इनका देहांत हो गया, यूएसए की अमेरिकन सिंगर है, इनका देहांत हो गया। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वीन ऑफ सोल एरेथा फ्रैंकलिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज 76। क्वीन ऑफ सोल एरेथा फ्रैंकलिन का हाल ही में निधन हो गया, वह 76 वर्ष की थी। सर एग्जाम में यहां से हमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एरेथा फ्रैंकलिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज वॉट, शी वॉज द सिंगर। दूसरा क्वेश्चन, क्वीन ऑफ सोल एरेथा फ्रैंकलिन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, तो शी वॉज फ्रॉम द अमेरिका, वह अमेरिका से थी, वह एक अमेरिकन सिंगर थी। तो प्लीज 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 एक लाइन में इनका नाम भी याद रख लेगा, क्योंकि द हिंदू में दी गई न्यूज है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी था, न्यूज ऑन एयर पर भी था। तो बेसिकली कहूंगा ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा हाँ सर सेशन क्लियर होता चल रहा है, क्योंकि 20 न्यूज है भाई, डिटेल में एक एक न्यूज तो डिस्कस यहां पर करेंगे। नेक्स्ट, यश फारते हैज वॉन दी अंडर 19 टाइटल इन द थर्ड इंडियन क्लासिक जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट इन मुंबई। यश फारते ने मुंबई में तीसरे इंडियन क्लासिक जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 19 का खिताब जीता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये कभी एग्जाम में नहीं आना कि किसके द्वारा अंडर 19 टाइटल जीता गया, एग्जाम में ये आएगा यश फारते इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यश फारते किस खेल से संबंधित है, तो वो हमें याद रखना है ही इज रिलेटेड टू द स्क्वैश, वह स्क्वैश से संबंधित है। इसके अलावा एक बात करें तो इन्होंने बॉयज का टाइटल जीता है, अगर हम गर्ल्स की बात करते तो जो गर्ल्स का टाइटल है वो जीता गया है, द करस्पॉन्डिंग गर्ल्स क्राउन वॉज लिफ्टेड बाई द अनसीडेड सान्या वत्स। जो अगर बात करें बॉयज की तो भाई बॉयज में तो यहां पर जीता गया है जो गोवा के यश फारते उनके द्वारा, और जो गर्ल्स में जीता गया वो सान्या वत्स के द्वारा जीता गया है। तो प्लीज प्लीज याद रखिएगा यश फारते एंड सान्या वत्स वो था रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, वो था रिलेटेड टू द स्क्वैश, दोनों ही स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। प्लीज प्लीज याद रख लीजिएगा दोनों ही यहां पर स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन फुटबॉल टीम हैज बीन रैंक 96 इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 96वें स्थान पर रखा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर आपका एग्जाम है तो प्लीज एक चीज समझिएगा, एग्जाम में रैंकिंग कभी नहीं आती। आईसीसी की बात करें, T20 की, वर्ल्ड कप की, बट मैंने खुद एग्जाम दिया था उसमें फीफा की रैंकिंग आई थी। तो मैं इंपॉर्टेंट हमेशा से कहता हूं कि फीफा की रैंकिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है, इसके जो चेंजेस रहते हैं वो इतने जल्दी नहीं होते हैं। तो प्लीज समझिएगा, आईसीसी की अगर आ रही, क्रिकेट की आ रही, हॉकी की आ रही, प्लीज मत याद रखिए, किसी इंडिविजुअल प्लेयर की आ रही मत याद रखिए, बट फीफा की प्लीज रट लीजिएगा। जो भारत की रैंकिंग है वो 96 है, एग्जाम में जाने से पहले अपडेटेड एक बार जरूर देकर जाइए फीफा की साइट पर इंडिया की रैंकिंग क्या शो कर रही है। तो प्लीज प्लीज मैं ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, तो इंडिया की रैंकिंग फीफा में 76 हो चुकी है। क्या है और बातें चलिए वो देख लेते हैं। इंडियन फुटबॉल टीम इंप्रूव्ड अ स्पॉट टू प्ले टू बी प्लेस 96 पोजीशन इन द लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 96वें स्थान पर आ गया है, एक स्थान के फायदे के साथ। अगर टॉप पर बात करते तो फ्रांस वर्ल्ड कप विजेता यहां पर बना हुआ है भाई पहले स्थान पर। दूसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं, दूसरे स्थान पर यहाँ पर बेल्जियम बना हुआ है। तीसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं, ब्राजील बना हुआ है। चौथे पर क्रोएशिया जो कि उपविजेता रहा था। पांचवें पर यहाँ पर उरुग्वे रहा है। तो प्लीज इनको याद रखिएगा, फर्स्ट प्लेस पर कौन है, फ्रांस है। सेकंड पर बेल्जियम है। थर्ड पर ब्राजील है। फोर्थ पर क्रोएशिया है। एंड उरुग्वे की बात करते हैं, उरुग्वे यहाँ पर पांचवें स्थान पर है। तो मुझे लगता है ये भी आपके क्लियर हो चुका होगा कि फीफा की रैंकिंग क्या है, उसके अलावा किसने यहाँ पर टॉप किया है। आई होप सो गाइज ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज इनॉग्रेटेड स्टेट फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट एट हिसार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का हिसार में उद्घाटन किया है। देर आए दुरुस्त आए भाई, जब मैं हिसार में था अभी 2 साल पहले, तब भाई ने नहीं इनॉग्रेशन किया था, अब हम चले गए वहां से तो अब इनॉग्रेशन कर दिया है भाई स्टेट के पहले सिविल एयरपोर्ट का। तो हमसे नाराजगी क्या थी खट्टर जी, तब जो जब हम थे तब इनॉग्रेट नहीं किया था। बेहतर सिटी है, अच्छा सिटी है, और हिसार में जो कहते हैं हरियाणा का एक सिटी है, बड़ा सिटी है भाई, वहां पर हरियाणा का पहला सिविल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। एग्जाम में आ सकता है, हु इज इनॉग्रेटेड दी स्टेट फर्स्ट हरियाणा फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट एट हिसार। सो आंसर इज दी मनोहर लाल खट्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। सेकंड क्वेश्चन, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज इनॉग्रेटेड दी स्टेट फर्स्ट सिविल एयरपोर्ट इन विच सिटी। सो आंसर हमें याद रखना है वो हिसार में किया गया है। आई होप सो दोनों ही क्लियर होगा, किस शहर में किया गया ये भी याद रखेगा, किसके द्वारा किया गया ये भी आपको याद करते हुए यहां पर चलना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 24th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी वॉज हेल्ड इन बीजिंग चाइना। 24वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी चीन के बीजिंग में आयोजित हुई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सिर्फ एक नंबर में याद रखना है कि कौन सा एडिशन रहा, 24th रहा, यह आ सकता है। दूसरा आ सकता है किस शहर में आयोजित हुआ, तो बीजिंग चाइना रहा था। जरा समझिएगा कौन सा एडिशन, 24th कहां पर रहा, बीजिंग चाइना में रहा। तीसरी बात, इसकी थीम क्या है, थीम थी लर्निंग टू बी अ ह्यूमन। लर्निंग टू बी ह्यूमन वॉज द थीम ऑफ द 24th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फिलोसफी दैट वॉज हेल्ड इन दी बीजिंग चाइना। आई होप सो क्लियर होगा कि किस तरीके से एग्जाम में आ सकता है। चाइना की बात करें, कैपिटल यहां पर बीजिंग ही है। करेंसी की बात कर लेते, युआन एंड रेनमिनबी, दो करेंसी, दो मुद्रा यहां पर चलती हैं। तीसरी बात करें तो यहां पर जी जिनपिंग वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारी बातें आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज गाइस, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व सितंबर। यहां पर अगर हम बात करें तो एक दोबारा से ये वाला आ गया है न्यूज, बट इसे फिर भी याद रखिएगा, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने सितंबर को ऑब्जर्व करने की बात करी है। जो महीना है उसे मंथ ऑफ न्यूट्रिशन के रूप में यहां पर कह सकते हैं भाई, वो बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी MCQ रहेंगे, चाहे स्टार्टिंग के चाहे एंड के हों, मैं इसकी PDF तो आपको पूरी ही प्रोवाइड करूंगा। समझिएगा PDF में पूरी प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आज न्यूज डिस्कस करिए, बट आगे जो MCQ बन सकते हैं, जो पीछे स्टेट रहा, लास्ट सेशन के क्वेश्चन रहे, वो सारी चीजें यहां पर आपको एज अ PDF प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ मैं सेशन को एंड अप करूंगा। सेशन पसंद आए प्लीज लाइक करिएगा, मुझे पता है थोड़ी नाराजगी, क्या बहुत नाराजगी है 9 बजे की वजह से, पर दोस्त मैं माफी चाहूंगा। लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, ये आज आप पर है, बट उसके लिए भाई सॉरी जो आज रहा। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।